हाय माय लवलीज, आज मुझे इतना तैयार देखकर आप सोच रहे हैं ना मैं क्यों तैयार हूँ। तो आज मैं आपके सामने मेहंदी लुक तैयार कर रही हूँ। देखिए, वेडिंग सीजन आ चुका है और आपको बहुत सारी पार्टीज भी अटेंड करनी है, और हो सकता है आप खुद की मेहंदी के लिए भी तैयार होना चाहते हैं। और जो लोग मेरे जैसे पार्लर नहीं जाना पसंद करते, उनके लिए सबसे अच्छा है। तो ये सिंपल मेहंदी लुक है, जो मैंने पोशाक पहनी है वो भी मैंने यहीं लोकल से ली है, सिंपल एकदम। और इसके बाद जो ज्वेलरी है मैंने अमेजोन से बाय की है, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट लिए हैं वो भी सभी पर्पल से लिए हैं, और नॉर्मल मार्केट में भी सारे अवेलेबल हैं इस समय। तो सिंपल मेहंदी लुक आपके सामने है, तो आप सभी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर, ग्रीन टी टोनर। उसके बाद अपने स्किन पे मैं लगाऊंगी एक मॉइस्चराइजर, जो सिंपल डव का मॉइस्चराइजर है। वैसे तो मेरी स्किन काफ़ी ठीक है, पर फिर भी मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से, इसके बाद मैं अपने हल्के हल्के स्किन, जैसे मैं यहाँ हल्का पैचीनेस है तो कंसीलर लगाऊंगी। ये भी स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और बहुत ही अच्छा है। अंडर आई पर भी मेरे काफी इस समय ब्लैक ब्लैक हो गया है, डार्क सर्कल हो गए हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से लगाने से पहले आप क्या करिए, ब्यूटी ब्लेंडर में अपने टोनर की थोड़ी सी मेकअप स्पंज, जो मेकअप स्प्रे होता है उसको थोड़ा इसमें लगा दीजिए, जिससे आपका जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और अच्छे से आपके फेस के साथ लग जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे जो अंडर आई एरिया था, वहां पर काफी अच्छे से ये लग गया है। अब इसे मैं जल्दी से सेट करने के लिए फेस पाउडर यूज करूंगी, वो भी मैं अधिकतर मेकअप में हाथ से ही करती हूँ। तो चाहे तो अगर आप ब्रश से करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा, नहीं तो आँख के आसपास क्रीजिंग आने लगती है। अब चूंकि कंसील हो चुकी है आपकी स्किन, तो इसके बाद फाउंडेशन की बात आती है। तो मैं मिलानी का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और इसका शेड है मीडियम। इसे भी मैं इसका कवरेज बहुत अच्छा है और ये बहुत इजी आपकी स्किन के साथ मैट हो जाता है। और इसे भी मैं जल्दी से सेट करने के लिए फिर से फेस पाउडर यूज़ करूँगी। और ध्यान दीजिएगा कि जो फेस पाउडर है उसे आप अपने स्पंज में बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें, वरना ये अब फेस का तो बेस तैयार हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप अपने आईब्रोज को फिल करिए। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, आईब्रोज फिल करने के लिए मैं अपना मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर हैं और इसमें ये और ये कलर जो है वो आपके आई ले जो आईब्रोज हैं उसे काफ़ी अच्छे से मैच करता है। ये मेरी आईब्रोज हो गई, मैं हल्का ग्रे कलर अपनी आईब्रो में लगाती हूँ। इसके बाद हम लोग करते हैं
आई शैडो चूँकि महंगा है तो देखिए मेरी आईलेसेस हो गई ना, और इसके बाद अब आई शैडो की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए आई मेकअप हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आई शैडो से। तो ये देखिए बहुत सारे कलर वाला आई शैडो पैलेट है मेरे पास, और ये भी स्विस ब्यूटी का ही है, और मैं इससे चूँकि मेहंदी है तो हल्का ग्रीन कलर तो होना चाहिए। वैसे मैं बेस के लिए हल्का सा सबसे पहले गोल्डन कलर लूँगी, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है कि अगर आप गोल्डन कलर से फिल करें। तो इसके लिए मैं ये सेट ले रही हूँ। देखिए सबसे इसके बाद हम डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा सेंटर पार्ट में लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं लिक्विड आई शेडो भी लेती हूँ, ये भी उसी का है, और इसमें हल्का सा ब्राउन्स कलर का आउटलेट बनाती हूँ, क्योंकि जब आपको पूरे दिन बैठना है तो अगर आप डार्क कलर करेंगे तो आप उतनी देर कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे और आपका मेकअप भी उतना अच्छे से नहीं होगा। इसके बाद हम आईलाइनर लगाते हैं। आईलाइनर भी मैं बहुत सिंपल ही लगाती हूँ असली में, तो उसके लिए मैं SQ का आईलाइनर यूज़ करती हूँ। ये तो चलिए लगाते हैं। इसके बाद मस्कारा यूज़ करना है, तो मस्कारे में मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लॉसल का मस्कारा। ये काफ़ी वॉर्मलाइज मस्कारा है, आपकी लेंथ भी बढ़ाएगा आईलेसेस की। और इसके बाद ये अपनी लोअर लैश लाइन में ही लगाऊंगी। इसके बाद ब्लशर यूज़ करते हैं, ब्लश हल्का हल्का। मैं गोल्डन का यूज़ करती हूँ जो कि NY का है, ये आप देख सकते हैं। क्या मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और इसकी जो शीन है ना वो बहुत ही अच्छी है। हाइलाइटर आपको अपनी आईब्रोज के नीचे ही लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आईब्रोज जो है वो बहुत ही फाइन दिखती है। ये भी स्विस ब्यूटी का है। ये लगा लिया मैंने लिप बाम, और इसके बाद हम लोग लिप कलर लगाते हैं। तो लिप में मेरे पास कई ऑप्शन है, और वैसे ऐसा फंक्शन है तो डार्क कलर लगाना चाहिए। मैं दो कलर को मिक्स करके लगाती हूँ। ओके, कैसा लगा आपको मेरा मेकअप? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा। ओके बाय। इसके बाद आगे हम लोग मेहंदी लुक के बाद हल्दी लुक भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो सभी मेरी 22 साल लोगों के लिए मंगनी, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। बाय।